दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सब कोई आ गया है खेत बाड़ी से, और सभी का चेहरा देख सकते हैं एकदम उतर गया है। रीना भी अभी से यहाँ पर रोटी बना रही थी, सबको पूरा थक गए हैं एकदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहा है, तो हमारी ओर से आप सबको सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी हम आए हुए हैं खेत तरफ, और ये देखिए दतून लेते आए हैं, धो रहे हैं अभी मुँह। और दोस्तों आज रात भर एकदम पानी मारा है, और दोस्तों हम जा रहे हैं अभी खेत तरफ देखने के लिए कि खेत उत का नज़ारा कैसा है, पानी उन्हें भरा है कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं खेत तरफ, और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं अभी, देखिए थोड़ा बहुत दिख रहा होगा पानी एकदम पूरा भर गया है। आप लोग को बैक कैमरे दिखाते हैं पूरे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों खेत का नज़ारा, पानी से एकदम लथपथ हो गया भर के, और ये देखिए यहाँ से निकल रहा है और रास्ता में एकदम पानी जा रहा है। और इधर भी देख सकते हैं, मतलब रात भर इतना पानी मारा है ना, बहुत ज़्यादा, और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रहा था, लेकिन पानी देख सकते हैं बाहर आ रहा है, इतना मारा है पानी, मतलब सारा खेत भर गया है। जो प्रति टाण था ना वो भी भर गया होगा। अभी जाएंगे उधर पूरा नदी के साइड साइड तक भी जाएंगे अभी घूमते घूमते, सुबह सुबह घूमना भी अच्छा है अभी। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर रास्ता में चल रहे थे तो, और बाढ़ किस तरह है अभी, और इतना ठंडा ठंडा हवा बह रहा ना दोस्तों, थोड़ा ठंड भी लग रहा है एकदम। सुबह सुबह आ गए हैं घूमने के लिए, छाता लेके आए हैं, फिर से पानी मारे तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही छूटा है दोस्तों पानी, इसलिए छाता लेते आए हैं, कोई फिक्स नहीं है। और ऐसा कुछ जो सुविधा नहीं है, अगर मोबाइल भी भिजेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा, वाटरप्रूफ तो है नहीं मोबाइल, तुरंत चल जाएगा। तो चलिए अभी दोस्तों और आगे चलते हैं, और आप लोग को सुंदर सुंदर नज़ारा दिखाते हैं धान खेत का। दोस्तों हरियाली देख सकते हैं, और दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, आप लोग को धान को देखिए थोड़ा ध्यान से, दोस्तों कोई धान दिख रहा है पूरा एकदम गाढ़ा हरा, और कोई दिख रहा है थोड़ा हल्का फुल्का हरा, मतलब ना दोस्तों जो पहले रोपाया है ना वो थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है। ये देखिए ये थोड़ा पहले रोपाया हुआ है, तो ये मतलब पूरा ना, मतलब कि गाढ़ा यानी कि ज़्यादा दिन हो गया इसका, और जो कम दिन हुआ है उसका थोड़ा ज़्यादा ही हरा दिख रहा है, नहीं तो कोई वाला काला काला दिख रहा है। लेकिन जो भी है देख सकते हैं धान खेत का नज़ारा काफ़ी प्यारा है। कल का रास्ता में आ गए हैं दोस्तों, आप लोगों को कल भी दिखाए थे ये, और ये देखिए, और मौसम तो अभी काला काला बादल ही किया हुआ है चारों तरफ, कहीं पर भी दोस्तों फ्रेश मौसम नहीं है। तो अभी चलिए अभी चलते हैं और आगे। अभी दोस्तों अब 8:30 बज गया है, अब चलेंगे घर तरफ, भूख भी लग रहा है दोस्तों बहुत ही, किन से दतून चबा रहे हैं, और खेत तूत तो देख लिए दोस्तों पूरा चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा पानी ना भर गया है खेत में। तो चलिए अब चलते हैं घर मुँह धोते धोते। सो दोस्तों अभी घर पहुंच चुके हैं, और मुँह गांध धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, तो चलिए अब खाना खाते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगा है। ये देखिए सुबह का खाना में अभी रोटी और भिंडी भुंजिया रीना बनाई थी, तो चलिए खाते हैं। दोस्तों खाना वाना खा के आ चुके हैं सीधे खेत तरफ दोनों जानवरों को चराने के लिए। ये देखिए दोनों पानी में डूब गया है और मस्ती से एकदम नहा रहा है। ये देखिए पानी भर गया ना, पानी मतलब आया था रात में बहुत ज़्यादा, तो भर गया पूरा, तो दोनों जानवर अभी पूरा मस्ती ले रहा है एकदम पानी में डूब डूब के। तो यहीं पर छोड़ देते हैं दोस्तों, सुबह से घोटा हुआ था, पवार ला के खोल दिए थे सुबह में, तो अभी हम आए और खोल के डूबाए हैं, अपने डूब गया है दोनों, और वरने देख सकते पूरा तिर मिला रहा है। अपने मन करेगा तब उठेगा, उसके बाद फिर चरना स्टार्ट करेगा। तो चलिए यहाँ पर इन लोग को छोड़ देते हैं नहाने के लिए फिलहाल अभी। दोस्तों अभी पूरा शाम हो चुका है, और दोस्तों हम ना बीच में चल गए थे खाना वाना खा के, मतलब जीजा जी आए थे ना तो चला के अपना, अरे चुप रहिए ना, मतलब मामू घर चला के ले गए थे, तो उधर ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं बनाए, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। तो अभी घर आ चुके हैं दोस्तों, और ये देखिए हम बंदर मामा पूरा हल्ला कर रहे हैं अभी यहाँ का, है हट दरवाज़ा लगा रहे कहाँ है, चल उतर यहाँ से, बंदर जीजा करते रहते हैं हमेशा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रीना रोटी बना रही है, बना था नहीं अभी भी जस्ट, मतलब किसान है, मतलब कि खेत गए हुए थे घास काटने के लिए, तो उधर से आए कोयला जलाए, थोड़ा लेट हो गए। और दोस्तों अभी देख सकते हैं सब्जी कौन सी बनाए, अभी सब्जी नहीं बनाए, ये खाली नहीं था तो अभी बोला हम पूरा शाम में आए, और शाम में आके कोयला वाला जलाए, तो अभी तो देखिए किस तरह कर रहे हैं, उतरिए वहाँ से। तो अभी दोस्तों रोटी बन रहा है ये देखिए, और अभी आधा से ज़्यादा बाकी अभी शुरू हुआ है ना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सब कोई आ गया है खेत बाड़ी से, और सभी का चेहरा देख सकते हैं एकदम उतर गया है। रीना भी अभी से यहाँ पर रोटी बना रही थी, तो यहाँ पर अभी पानी गर्म होने के लिए दी है, अभी चाय बना रही है आज पहली बार। और देख सकते हैं मम्मी इन लोग घास काटने गए थे, घास यहीं पर घर में रखे हैं,
पापा जी भी आके सो गए हैं और दादाजी भी देखते थे बैठे हुए हैं सब कोई, और बंदर मामू तो वहाँ पर मजा ले रहे हैं एकदम खा खा के का जी। सबको पूरा थक गए हैं एकदम। और दोस्तों हम लोग का चाय बन गया है, ये देखिए हम लोग घर में आज लाल चाय बना है और आज बहुत दिनों बाद बनाई है, कब बनाए थे भूल गए। हम लोग चाय नहीं बनाते हैं, चाय हम लोग पीवे नहीं करते, गांव देहात में लोग चाय नहीं पीता है। तो दोस्तों हम चाय और रोटी बना लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पापा को भी दे दिए हैं दादाजी को, मतलब दूंगी नहीं था दूंगी बांट लिए इसलिए दादाजी को थाली में ही दे दिए हैं, और यहाँ पे भैया को बांट दिए और हम अपना ले लिए हैं, और मम्मी भी बाद में खाई। तो चलिए दोस्तों खाना खा रहे हैं, सभी कोई देख सकते हैं बैठ गया है खाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली खाना पीना सब हो चुका है और ये देखिए यहाँ पर सब खाते हैं, मेरा तो कंप्लीट हो चुका है यहीं पर खा, मतलब बैठे बैठे खा गए तुरंत। चलिए दोस्तों अच्छी वीडियो यहीं तक रुकते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते जल्दी अगली वीडियो में, जय जवान जय किसान, बाय बाय।